इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर विदिशा कलेक्टर उमाकांत भार्गव एवं पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला ने ग्यारसपुर थाना क्षेत्र के कई ग्रामों का दौरा किया, जहां पर पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया और यदि कोई कमी दिखती है तो चुनाव से पहले उसको दूर किया जा सके, निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार कार्य किया जाए। इसी तरह पुलिस अधीक्षक ने सभी संदिग्ध मतदान केंद्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष पुलिस बल की तैनाती जैसे पॉइंट चिन्हित किए। वहीं मतदान निष्पक्ष हो और 80 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े, उसके लिए टीम गठित की। वहीं सड़क मार्ग पर चेक पॉइंटों के माध्यम से वाहन चेकिंग की जा रही है, जिससे कि अवैध रूप से होने वाले परिवहन पर रोक लगाई जाए। इस दौरान ग्यारसपुर तहसीलदार सौरभ मालवीय एवं ग्यारसपुर थाना प्रभारी मांगीलाल भाटी, स्थानीय बीएलओ उपस्थित रहे। इंडियन टीवी न्यूज से कमल कुशवाहा की रिपोर्ट। सर, सुरक्षा के लिए आपने, जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि बहुत काफी सारा पैसा ट्रैफिक में पकड़ा जा रहा है, तो उसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, जब से हमारी आचार संहिता प्रभावशील हुई है तब से हमारे प्रति विधानसभावार 3 FST और 3 SST यानी कि स्थायी निगरानी दल और फ्लाइंग स्क्वाड टीमें चल रही हैं। पूरे जिले में 22 बॉर्डर चेक नाके लगाए गए हैं। इसी तरह से जो हमारे थाने और अन्य विभाग हैं, जैसे एक्साइज है, RTO है, ये सभी भी अपने अपने स्तर पर चेकिंग कर रहे हैं और लगातार हम लोग कैश की जब्ती है, एक्साइज के थ्रू जो लिकर है उसकी जब्ती है, ड्रग्स आदि मटेरियल की जब्ती है। अभी हमारे एक थाना क्षेत्र में साड़ियां और अन्य फ्रीबीज का मटेरियल भी पकड़ाया, तो इस तरह से लगातार हमारी कार्रवाई कर रही है और जो भी सूचनाएं हम तक पहुंच रही हैं उस पर तत्परता से कार्रवाई की जा रही है। निष्पक्ष और निर्वाचन अच्छे तरीके से हो सके, उसके लिए प्रशासन की क्या तैयारी है? देखिए क्या है, इसी तैयारी को देखने के लिए आज हम और एसपी साहब इस क्षेत्र में आए हुए हैं। हम यहाँ पर क्रिटिकल मतदान केंद्र देख रहे हैं, हमारे बॉर्डर चेक पॉइंट, SST चेक पॉइंट, FST चेक पॉइंट, ये सारे सारे देख रहे हैं। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी इस पर और जो हमारे मतदान केंद्र हैं उन मतदान केंद्रों पर भी जो हमारे आम मतदाता हैं उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। वहाँ पर फैसिलिटेशन सेंटर रहेगा, हमारा BLO रहेगा। हम 7 दिवस पूर्व हमारी जो मतदाता पर्चियाँ हैं सभी को पर्चियाँ बंटवाएंगे। 80+ वोटर के लिए भी हमने पहले से 12D फॉर्म दिया हुआ है और जो माननीय निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं हम पूरा उसका पालन करेंगे। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।